फटाफट सब हांडी दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें आप। ओए होए 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 भाई, धुआं उठा अभी भी। ये देखो, ये चेक करो भाई साहब, 9-2-3-2-1। आप बताओ ना कहाँ का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से फोन आते हैं सच में? मैं आपको और नंबर बताता हूँ। ये लगभग रहता है सर 200 ग्राम के लगभग तेल रहता है इसके अंदर। मैं 1 किलो के लगभग की एक आंडी लगाता हूँ। अच्छा, वैसे 2 किलो की आंडी है ना? हाँ, ये 2 किलो की है। देखिए, गरम मसाला हो गया, मटन मसाला हो गया, धनिया। शैलेश जी ने जो वीडियो बना दिया तो वहाँ जाके खाना ही खाना है। मेरे को नहीं पता ये राकेश जी कैसे बनाते हैं, क्या मिलाते हैं इसके अंदर, अफीम तो नहीं है? अगर मान लो किसी दिन मैं बिजी भी रहूँ, मैं नहीं आ पाया, तब भी मेरा स्वाद कभी ऊपर नीचे नहीं रहता है भाई। चल भाई, रोटी से ट्राई करेंगे बात। ये देखें तो भाई, ये हमने एक रोटी ले ली है। क्या बात है भाई साहब, ट्रिपल 0-3-9-7 इस नंबर पे फोन करें आप 2 घंटे पहले, और लास्ट ऑर्डर मैं 7 बजे तक लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ। तो भाई, हम आ चुके हैं स्पाइसी टेस्टी रेस्टोरेंट में। हमारे साथ राकेश जी हैं, इनका पहले प्लेस था जगतपुरा में, इन्होंने नया ब्रांच ओपन किया है। वो वाला कंटिन्यू है, डिस्कंटिन्यू कर दिया? नहीं, डिस्कंटिन्यू कर दिया, वो बंद कर दिया मतलब। हाँ ना, तो भाई इन्होंने ब्रांच यहाँ पे डाल ली है। अब मैंने इंदिरा गांधी एक सेक्टर है अपने सीबीआई फाटक के पास में पड़ता है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है अभी 10-15 दिन पहले ही। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वही मटका वाला जो है अहुना मटन और अहुना चिकन। अच्छा, ये मैं यहीं पे स्टार्ट कर रखा है मैंने अभी, और अभी मैं आपको वही उसी चीज़ की मेकिंग दिखाऊंगा। नाम भी मेरा वही है। ये कौन सा रोड ज्यादा सर? ये अपने गंगा मार्ग है, और ये आगे पड़ता है सीबीआई कुंदनपुरा फाटक। ओके, इधर पड़ता है अपने सीबीआई फाटक। अच्छा, और ये जो है ये आवासन मंडल के इंदिरा गांधी, उसका सेक्टर नंबर 1 है ये। तो दोस्तों, पूरी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधे क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे लोकेशन पे। तो आप बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आज हांडी मटन किस तरह से बनाते हैं सर, और उसको फाइनली टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा उसका टेस्ट है ना। तो शुरू करें सर। हाँ जी, आ जाओ दोस्तों, चलो भाई। ये देखिए सर, ये अलवर राजगढ़ साइड से मैं मंगवाता हूँ हांडिया अपनी, और वैसे तो क्या है 2 किलो तक माल लग जाता है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन मैं 1-1 किलो का, 1 किलो की एक हांडी लगाता हूँ इसमें। हाँ, रो 1 किलो होता है, और ग्रेवी के साथ में तो ये फिर 2 किलो तक चला जाता है। अच्छा, ये वो वाली हांडियाँ नहीं है जो अपने पटना में मिलती है? नहीं, थोड़ा सा अलग है। अगर मैं पैक करके इसको लगाता हूँ तो ये प्रेशर सहन नहीं कर पाती, तो फट भी जाती है, तो इसलिए मेरे को खुला भी बनाना पड़ता है इनको। जी गाइस, ये आ चुका है जो पका हुआ तेल होता है ना, वो ये तेल गर्म हो गया है, इसको फाड़ लेंगे अपने। अब शैलेश जी अपने बना रहे हैं अहुना मटन। अब इसके 2 किलो का मटन लगा रहे हैं अपने। ये 2 किलो मटन है, ये 2 किलो के लगभग ही प्याज है, ये 2 दही के पैकेट है, ये देखिए 2 किलो प्याज ये डाल देना। तो सबसे पहले मटन में प्याज डाला जा रहा है? हाँ जी, मतलब जितना मटन उतनी प्याज? उतनी ही प्याज। ओके, क्योंकि पानी का यूज होता नहीं है तो। और ये लहसुन है 8, तो मटन जो टेंडर होगा उससे और प्याज से वो ग्रेवी सेट हो गई इसकी। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मसाले हैं सर। सर ये क्या क्या मसाले हैं थोड़ा? देखिए, गरम मसाला हो गया, मटन मसाला हो गया, धनिया, डेगी मिर्च, नमक वगैरह, और कुछ खड़े मसाले हैं, जावित्री हो गई, बड़ी इलायची हो गई, तेज पत्ता और सूखी मिर्च। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। अच्छा, बिहार की तरफ दही नहीं डलता है? दही नहीं डलता सर, और लहसुन का पेस्ट भी नहीं डलता है। हाँ, खड़ा लहसुन डलता है उसमें। हाँ, लेकिन क्या है सर, राजस्थान में रह रहे हैं तो कुछ तो टच देना पड़ेगा यहाँ का भी। सही बात। हाँ जी, तो ये कितना दही है सर? हाँ, ये लगभग सर 50-60 ग्राम का एक पैकेट आता है। अच्छा, मतलब 1 किलो में 50-60 ग्राम। हाँ, 2 किलो बनाते हैं ना अपन। हाँ, अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। कितना चम्मच डालते हैं सर? क्या ये लगभग रहता है सर 200 ग्राम के लगभग तेल रहता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, 150-200 ग्राम। अभी बिल्कुल नहीं मिलाना है क्योंकि हाथ जल जाएंगे, अभी तेल बहुत गर्म है। मटकों के अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे।
ये इसमें तेल क्यों डालते हैं सर? ताकि सर लगे नहीं नीचे। अच्छा अच्छा, सर ये नई जगह लेने का कैसे सोचा आपने? हाँ सर, वो रेंट पे थी तो मैं सोचा अपनी खुद की जगह पे अपने लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओनर का क्या है सर, भरोसा नहीं था कब खाली करवा ले वो, अपने बड़ी मेहनत से दुकान जमाए और फिर वो खाली करवा ले, इसलिए मैंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है और फिर मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। बाकी प्रॉपर्टी लेने की जो है वो का तो आप जैसे भाइयों की जो वीडियो थी उससे बनी है। अरे भाई अरे, ऐसा मत बोलो यार। हाँ देखो गर्म फोन आराम से। तो भाई ये सारे मसाले इन्होंने एक साथ मिला दिए हैं इसमें, और अब इसको ढंग से मिलाया जा रहा है, मतलब इसको जो मैरिनेशन प्रोसेस रहता है ना वो किया जा रहा है, जिससे सारे मसाले एक एक मटन में लग जाए और प्रॉपर ढंग से फ्लेवर आए। इसको सर छोड़ते भी हैं थोड़ी देर या फिर अपने आप ही हो जाता है? हाँ नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ते, हम डायरेक्ट मटके में लगाएंगे और फिर आँच के ऊपर रख देंगे। एक हांडी में सर कितना आता है? मैं एक किलो के लगभग की एक हांडी लगाता हूँ। अच्छा, वैसे दो किलो की हांडी है ना? हाँ ये दो किलो की है। हाँ सर, अभी हम कोयले की आंच पर रख लेते हैं इन हांडियों को। आओ भाई, कोयला एकदम सेट हो चुका है, देख सकते हो आप। मान के चलिए एक से डेढ़ घंटा ये चलेगा इस आंच पे, उसके बाद में एक दो कोयलों के साइड में इसको साइड में दम पे रख दिया जाता है। अच्छा अच्छा, फिर आधा लाइट कोयलों में। हाँ बिल्कुल, तो आधा पौना घंटा तक ये दम पे रहता है, तो अंदर तक बिल्कुल पीस बढ़िया पक जाते हैं इसके। बहुत बढ़िया सर। और ये देखिए हमारा ये मटन का मसाला रहते हैं, ये मैंने एक एक किलो के पैकेट में इनको बना रखा है। अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर मान लो किसी दिन मैं बिजी भी रहूं, मैं नहीं आ पाया, तब भी मेरा स्वाद कभी ऊपर नीचे नहीं रहता है। अच्छा। मेरा स्वाद बिल्कुल फिक्स रहता है। और अभी मैंने कुछ समय पहले एक मतलब कोई एक चाह रहा था कि मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँ गुजरात साइड में, तो मैंने 10 पैकेट भेजे भी थे उनको मसाले के। अच्छा अच्छा, अगर उनका बैठ जाता है तो कंटिन्यू मेरे यहाँ से मसाला जाएगा उनके पास। अरे भाई, एक मसाला तो मैं भी लेके जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारी चीज़ आ जाती है। हाँ तो मतलब स्वाद चेंज नहीं हो। भैया यहाँ पर रहे चाहे नहीं रहे, मसाले फिक्स रहते। अरे वाह यार, ये सही है भाई। मैं कुछ संभाल लेता हूँ अकेले। ये बनाया जाता है जैसे ऑर्डर ऑर्डर रहते हैं ना वो, तो ये डायरेक्ट हांडी में ही उसको मैरिनेट कर लेते हैं, हांडी में बना देते हैं। हमको आपको वीडियो में दिखाने के लिए उन्होंने 2 किलो अलग से बना रहे हैं, बाकी ये जो ऑर्डर वगैरह चल रहे हैं इनके वो इसी में चलते हैं। ये देखें आप, डायरेक्टली मिक्स हो जाता है सर। हाँ पूरा डायरेक्टली मिक्स हो जाता है। ये चेक करो भाई, और ये एकदम पका हुआ तेल है दोस्तों, जिसको बढ़िया तरीके से इन्होंने पानी डाल के इसमें छींटे डाल के फाड़ लिया है। क्या बात है। तो भाइयों हांडी पे हांडी लगी जा रही है और आपको मजा आ जाएगा आज, तो ये मान लो। तो सर क्या भाव रहता है ये? 1400 रुपए किलो में मटन देता हूँ, और जिसमें 1 किलो रो ही होता है, ग्रेवी वगैरह सब एक्स्ट्रा होती है, तो मतलब टोटल बैठ के 2.5 किलो 1.5 किलो 2 किलो के लगभग हो जाते हैं। 2 किलो हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। और चिकन का क्या रेट रहता है? चिकन 700 रुपए किलो। 700 रुपए रहता है। हाँ जी। तो अगर जैसे किसी को ऑर्डर करना हो तो कोई नंबर वगैरह? बिल्कुल, मेरे नंबर पे है 9414000397। इस नंबर पे फोन करें आप 2 घंटे पहले, और लास्ट ऑर्डर मैं 7 बजे तक लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मटन नहीं मिलेगा ढंग का फिर। हाँ क्योंकि ना 7 बजे के बाद में सर 1 से 2 घंटे उसको बनने में लगते हैं। हाँ। और अगर मैं आपके लिए कोशिश करूँ मटन लेके आऊँ, तो जो चीज़ मैं देना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ मेरे को मिलेगी नहीं। कि 1 किलो में देखिए सर 4 नली 4 चाप गर्दन और कमर के पीस रहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप 8 बजे तक बकरा लेने जाओ तब आपको वो मिले ही मिले। सही कह रहे हो सर। तो बकरा भी है फिर अपने हिसाब का होना चाहिए, 9-1 किलो तक का बकरा होना चाहिए। बाद में पता चल रहा है 18-18 किलो का बकरा हो रहा है,
कि बकरा है कि बकरी है भी पता नहीं चल रहा है, ये बात कर रहा हाँ। इसलिए क्वालिटी वैसे भी लोग थोड़ा डाउट कर लेते हैं। हाँ, इसलिए मैं क्या है कि लेता ही नहीं हूँ, 7 बजे के बाद में ऑर्डर नहीं लेता हूँ, मना ही कर देता हूँ कि मेरे पास माल नहीं है। ठीक है, तो गाइज अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भैया ये हांडी वगैरह लगा चुके हैं और यहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हो, देखो तसल्ली से। और अगर आपको लगता है कि यार हमको थोड़ा सा थोड़ा स्टैंडर्ड में बैठना है, जैसे क्योंकि कई फैमिलीज होती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस जगह पे बैठे नहीं बैठे, तो देखो गाइज आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर करोगे तो आपको वही है, ऑर्डर टाइम पे कर दें तो आपको टाइम पे मिल जाए 7 बजे से पहले। अब जैसे मैं बताता हूँ, आपके जैसे कई हैं फैंस इतने बड़े हैं जो बिल्कुल सैले जी ने जो वीडियो बना दिया तो वहां जाके खाना ही खाना है भाई, बिल्कुल ये तो है। ऐसे मेरे व्यूअर्स तो ऐसे हैं कि एक बार अगर वीडियो जहाँ पे बन गई तो वहाँ तो एक बार तो ट्राई करेंगे करेंगे करेंगे, अगर उनको अच्छा लग गया तो फिर वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो फिर वो एक बार ट्राई करके फिर वो हाँ स्किप कर देते हैं। तो मैंने इसलिए क्या है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों के भी ग्राहक तोड़ लिए आपकी वीडियो के चक्कर में। क्या बात है सर। और अभी जैसे आपके एक बहुत बड़े फैन थे दिल्ली से, तो उन्होंने आपका वीडियो देखा अच्छा। और उन्होंने कहा यार आपका जो मटन है जो बनाने का था, मैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो बोले मेरे को दिल्ली आप दे दो। तो मैंने कहा मैं दिल्ली तो सप्लाई नहीं करता हूँ, मैं पूरे जयपुर में सप्लाई करता हूँ ओला उबर के थ्रू। तो उन्होंने पर्सनली अपना ड्राइवर भेजा मेरे पास में दिल्ली से ओ भाई। और यहाँ से वो 2 किलो मटन लेके गए, मटके के अंदर ही लेके गए। क्या बात है, तो मज़ा आ गया था। मटन की प्रिपरेशन चालू है तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ये पूरा प्याज गाइस आपको दिखेगा नहीं, ग्रेवी में घुल जाएगा ये, इधर दिखाना भाई, ये देखो तो भाई ये सारी हांडियाँ यहाँ पे लग चुकी हैं। आज ये अब अपने ओपन करके एक बार देखते हैं। हाँ जी, कैसा मटन के क्या हाल है बताओ सर। ये देखिए बढ़िया ग्रेवी सेट हो गई है इसकी। तो ये थोड़ा सा लटपट में रहता होगा ना सर। हाँ अभी बाकी है ना, अभी तो पानी छोड़ी है। हाँ टाइम है। ये देखो भाई ये जो कस्टमर है ये परमानेंट ग्राहक थे। अच्छा, उन्होंने गलती से मेरे वहाँ पे एक बार सिर्फ खा लिया आपकी वीडियो देख के। अच्छा, उसके बाद मेरे परमानेंट ग्राहक हो गए। 92 कहाँ का है? पाकिस्तान का। 1 आप बताओ ना कहाँ का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से फोन आते हैं सच में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको और नंबर बताता हूँ। ये कहाँ का है? ये तो मेरे को पता है कहाँ का है। 22340223932 बाहर का नंबर। और बताता हूँ मैं सर आपको, 92307339096 22, ये भी पाकिस्तान का है। मैंने पाकिस्तान आपको से सच में मैंने आपको 3 नंबर बताए ना। हाँ। ये सब बाहर के हैं ना। बिल्कुल। और आप ये देखिए अब क्या होता है, लोग कहते हैं अरे यार वीडियो में जो है बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बोलने वाली बातें होती है, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको प्रूफ दिया कि ये नंबर आए। हाँ सर बस कंप्लीट है, मैं आपके लिए ये देखिए कौन सा वाला अपना? ये वाला सर, ये देखिए दम से भी हटाइए। अच्छा। और मैं आपके लिए लगवाता हूँ, बिल्कुल आप टेस्ट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। चलो टेबल भी दिखाते हैं सीधे। हाँ जी, पहले भी मैंने आपको राकेश जी की वीडियो दिखाई हुई है, ये बनाते हैं हांडी मटन, जो अहुना मटन है जयपुर में बहुत रेयरली कोई बनाता है दोस्तों। एक प्लेस है जो मानसून में बनाता है, उसके अलावा ये बनाते हैं और ऑथेंटिकली यही बनाते हैं, जो आपको एक्चुअली जो हांडी मटन है ना वो यही सर्व करते हैं। इनकी खुद की 500 गज की ज़मीन है तो ओपन में एरिया है, जो मटन के शौकीन है ना मेरे जैसे वो यहाँ पे आके आराम से तसल्ली से बैठ के खा सकते हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑन ऑर्डर बनाते हैं, आपको 2 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ेगा तब जाके आपको ये मटन मिलेगा। ये मटन की खासियत ये है कि ये मटन जब आप टेस्ट करोगे ना तब आप कहीं खो जाओगे। भाई आज मेरे साथ मेरा दोस्त है त्रिलोक धामेश का, भाई ये मेरे साथ आ जाया है, ये इसको मैं टेस्टिंग कराता हूँ आज भाई, तेको आज ऐसा मटन खिलाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये आ गई हांडी, क्या बात है भाई, रख दे इसको बीच में, इंतज़ार ख़त्म होता है, फटाफट से हांडी दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें आप। ओए होए 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 भाई, धुआं उठा अभी भी, ये देखो ये चेक करो भाई साहब, ये देख रहे हो क्या बेहतरीन, मतलब ऊपर से रोगन देख रहे हो आप क्या बेहतरीन आए, ये देखो। ओए होए 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 भाई, कैसा लग रहा है? मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। भाई पानी आ रहा है क्या? कते पानी आ रहा है, तू फटाफट डाल बस। भाई एक काम करते हैं फटाफट से प्लेट में डालते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं भाई, ये देखना ये देखो क्या बात है भाई साहब, ये देखो। ओए होए 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 भाई, नली निकाल दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चेक करें यार, मेरे को नहीं पता ये राकेश जी कैसे बनाते हैं, क्या मिलाते हैं इसके अंदर, अफीम तो नहीं है, लोग लिटरली इतने दीवाने हैं ना इनके मटन के भाइयों,
आपको मैं बताऊं, जो मेरे खास दोस्त हैं, कई पहले व्लॉगिंग करते थे मेरे साथ में, तो वो हमारी वीडियो देख के यहाँ पे आने लग गए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरे को राकेश जी बताए थे, वो लोग आ रहे हैं आजकल। तो भाई बहुत बढ़िया। अब ये चेक करें भाई एक बार आप, ये देखो भाई, भाई चल भाई रोटी से ट्राई करें एक बार, ये देखें। तो भाई ये हमने एक रोटी ले ली है, और ये देखें भाई, मैं एक पीस उठाता हूँ फटाफट से, ये देखो भाई साहब क्या बात है, कमल का पीस है दोस्तों, और एकदम गर्म है। ओ ये चेक करें भाई, क्या बात है भाई साहब, ओए होए 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 होए, ये देखना ले ले। एकदम भाई बड़ा मजा आया है, क्या ग्रेवी लग रही है। पीस तो मैंने अलग ही टेस्ट नहीं करा, लेकिन ग्रेवी में बहुत मजा आ रहा है मेरे को। वैसे तो यूजुअली क्या होता है, मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक, ये चार चीज़ें होती हैं, बट एक इनका स्पाइसेस है राकेश जी का, वो पता नहीं क्या मसाला है, मेरे को नहीं बताया। मैंने अभी इनसे ऑफ कैमरा पूछा भी था कि राकेश जी वो कौन सा मसाला है, मेरे को ऑफ कैमरा तो बता दो, तो इन्होंने मेरे को बताया नहीं अब तक। तो भाई वो मसाला कुछ अलग ही है, उसका टेस्ट है ना सच में अलग ही आता है। ये देखो, पहले हमारे यहाँ पे बोलते थे मटका मीट, अब इसको जो लोगों ने रेसिपी का नाम दिया है वो वाना मीट, चंपारण, ये है, लेकिन ये मटका मीट बोलते थे राजस्थान में हमारे पहले बड़ा। और ये ग्रेवी के साथ में क्या बात है भाई, ये देखो ग्रेवी के साथ ये मसाला है ना, बहुत मजा आ रहा है। मटका मीट के बारे में सुना था, लेकिन आज खा के मजा आ गया। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं, बिना मतलब जो ग्रेवी होती है ना, जो वो सारी प्याज की ग्रेवी होती है। अभी जब अपन मेकिंग शूट कर रहे थे उस टाइम पे, आपको आपने देखा था जितना मटन था उतनी ही प्याज थी, और थोड़ी सी दही थी कि हल्का सा खटास आ जाए। तो जितनी ग्रेवी करनी होती है ना, प्याज उतना ही डालते हैं, और पूरी ये जो ग्रेवी है ना, पूरे प्याज की और दही की ग्रेवी है भाइयों। ये देखें, अब मैं इसको यूँ तो नहीं बोलूँगा कि वो पटना में मिलने वाला ऑथेंटिक अहुना मटन है, बट ये राजस्थान में मिलने वाला ऑथेंटिक अहुना हांडी मटन है दोस्तों, जो आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। राकेश जी बना रहे हैं इसको, और आपको अगर ये ऑर्डर करना है ना भाइयों, भाई 2 घंटे पहले आप ऑर्डर करें, मटन आपको एक नंबर मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। आप जब ऑर्डर करेंगे ना जैसे, तभी ये मटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे आपके वाले मटन की। तो 2 घंटे बाद आप ऑर्डर ले लें, आपको अगर लेके जाना है, घर पे लेके जाना है तो घर पे ले जाएं, आपको अगर यहाँ बैठ के खाना है तो बैठ के खा लें, आपको गाड़ी में बैठ के खाना है तो गाड़ी में बैठ के खा लें। ये देखें, मटन में मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया, सही बता रहा है कि नहीं? सही बता रहा हूँ बिल्कुल। और अभी मैं कह रहा हूँ वीडियो खत्म होने के बाद में अपन पूरा मटन खा के चलेंगे यहाँ से। भाई तुम कितना ही खाओ यार, थोड़ी सी फटाफट से भाई और निकाल लूँ, निकाल लो। इसमें क्या होता है, ये अहुना हांडी मटन है, इसमें जब तक आप लहसुन नहीं खाओगे ना, तब तक आपने खाया नहीं है। तो एक लहसुन आप लो, एक लहसुन लेता हूँ भाई मैं, ये लो, और थोड़ा सा मटन भी निकाल लें। ये चेक करें भाई इस हांडी को, यहाँ तो मेरे को ये भी बता दो कि लहसुन कैसे खाना है। ये देख भाई, इसको यूँ उठाओ और इसको नीचे से ये इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़, गर्म है थोड़ा, ध्यान रखियो भाई। और हम तो कोई गर्म खाने की आदत है भाई, मेरे को तो ये मुझे ज़्यादा गर्म खाने की देख भाई, ओ भाई ये जो लहसुन है ना, ये फ्लेवर बॉम्ब है भाई, आया मज़ा। ऐसा लग रहा है मेरा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या है, लहसुन की एक खासियत है, वो आपको ब्लड को पतला करता है। लहसुन की ये सबसे बड़ी खासियत है भाई, मज़ा आ गया। ये देखें भाई एक पीस, भाई ये वाला मटन है ना, मैं आपको सही बता दूँ, ये मटन ऐसा है, रोटी खाओ दो, मटन खाओ ज़्यादा, ये वो वाला हिसाब है भाई, मानता है? उंगलियाँ चाटनी पड़ रही है आज तो भाई, मज़ा आ गया। अब फटाफट से हम लोग तो इस हांडी को करते हैं ख़त्म, और आप फटाफट से ऑर्डर दे दो। ये मिट्टी की हांडी में बना हुआ मटन है, इसका टेस्ट भी अलग है, इसके मसाले भी अलग हैं, और इसका बनाने का तरीका भी अलग है, और जो लहसुन डलता है इसके ना, इसके अंदर जो साबुत लहसुन डलता है, वो फ्लेवर को दुगना कर देता है भाई, है कि नहीं भाई? दुगना किया कि नहीं?
दुगना है। और मेरे दादाजी एक बात कहते थे, बताओ भाई साहब, कि अगर मटन खा रहे हो और आपके पसीना नहीं आया ना, आपने मटन नहीं खाया फिर। तो मैं तो ढंग से पसीना आ गया, बहुत बढ़िया भाई। तो आज लगा है पूरा घर का मटन खाया है भाई मुझसे तो दुकान ज्यादा। फटाफट से इंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं किसी और जगह। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।